महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शुभा, चिंता लाह हमारी। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शुभा, चिंता लाह हमारी रहाओ। अवर ना सूझै दूजी ठहर, हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ लेख छूट, हम निर्गुण ले हो उबारी। सद बख्शंद सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे पर्यो, राख ले हो एहु बारी। सद बख्शंद सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे पर्यो, राख ले हो इहु बारी। परम सत्कार योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे, दूरों नेड़ियों चल के आए गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार रहमत बख्शिश कीती है, अज आप सारे ही खालसे दा प्रगट दिहाड़ा मनाउंदिया होया अज दे इन्हां विशेष गुरमत दीवाना दे विच एकत्र होए हां। बड़े ही प्यार सत्कार एकाग्रता सहित आप सारी संगत ने सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनी जथे पासों पातशाह जी दी अमृतमई पावन बाणी दा कीर्तन श्रवण कीता है। आओ नियत समय मुताबक सतगुरु सचे पातशाह जी दी अमृतमई पावन बाणी दी विचार दे नाल अपनियां बिरतियां नूं एकाग्र करिए, गुरमत विचारां दी आरंभता करन तों पहलां सारी ही संगत बड़े अदब सहित दशमेश पिता जी दी बख्शिश कीती होई फतेह बुलंद आवाज विच सांझी करो। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु अर्जन साहिब सचे पातशाह शहीदां दे सिर ताज हजूर, तिन्हां दा उचारण कीता होया पावन शब्द राग टोडी दे विचों पाठ दे रूप विच दास ने आप सारी संगत नाल सांझा कीता है। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दे पावन मुखार बिंद तों उचारण कीते होए इस पावन शब्द दे रहाओ दे बंद विच
गुरु की शरण पैण का जिक्र सतगुरां ने आप किया है। गुरु की शरण में आना की है, सतगुरु नूं समर्पित होना की है, असी गुरु वाले किवें बन सकते हाँ और गुरु के नाल साडी सांझ किवें बन सके, ते गुरु कोल आके साडी इच्छा साडी तमन्ना की बन जाती है। पातशाह जी ने इन्हां सारियां गल्लां दा जिक्र इस मुबारक शब्द विच कीता है। सतगुरां दी पावन बाणी दे विच एक बड़ा प्यारा वचन आउंदा है, अरदास सुनी दा तार प्रभ ढाडी को महल बुलावै, प्रभ देखदियां दुख भुख गई ढाडी को मंगण चेतना आवै। एक प्रतीकवाचक पंक्तियां ने, हजूर ने अपने दर ते गुण गाउण वाले नूं अपने नफर राही सदा भेजिया कि जाओ उसनूं सद लियाओ। की चाहुंदा है, की इच्छा है उसकी। जदों बंदा अपने घर तों चलिया सी, मन विच बड़े ख्याल सन, अज गुरु नूं आ भी आखांगा, अज गुरु कोलों आ भी मंगांगा, मालक दा हुक्म होया जाओ, इस नूं आ गया है साडे कोल आ के अपने मन की बिरथा अपने मन की वेदना कह सुनाउण दी। अरदास सुनी दा तार प्रभ ढाडी को महल बुलावै, प्रभ देखदियां दुख भुख गई ढाडी को मंगण चेतना आवै। मालक दे सामने आके जिस वेले उसका प्यारा सेवक खलोता, मालक ने बड़ी मिठी आवाज विच पुछिया, तैनू की चाहिदा, की लोड़ है तेरी। सेवक दी सुरत विच ना कोई दुनिया का ख्याल सी, ना कोई संसार की चाहत सी, ना कोई कामना सी, मानो अपने प्यारे महबूब दे दीदार इन्हां अखां दे नाल करके संसार दियां इच्छावां दी अग सारी दी सारी ठंडी पै गई। मेरे गुरुदेव धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह केसगढ़ की उच्ची पहाड़ी के उत्ते खड़े सन, उन्होंने सन्मुख विशाल ठाठा मारदा उस समय का सिख संतां का इकट्ठ सी। हजूर दे हाथ विच साडा इतिहास कहिंदा है नंगी शमशीर है। हजूर ने उच्ची आवाज विच एक सिर की मंग कीती है। वैसे तुसीं भी इतिहास नूं पढ़न वाले जानन वाले बाणी नाल जुड़े हुए सत संगत विच बहुत सारे लोग बैठे हो, मैं किधरे भी इतिहास के पन्ने तो यह गल नहीं पढ़ी कि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने हुक्म किया होवे कि मैनू एक सिख का सिर चाहिए, मेरा हुक्म है अपना सिर भेट करो। हुक्म तो कई बार बंदा ना चाहद्या हो मनण वास्ते मजबूर भी हो सकता। मैं हैरान हूं जो बार बार इतिहास दियां लिखतां विच एक ही लफ्ज पढ़ता हाँ, गुरु ने सिर की मंग की है। जदों गुरु मंग रहा है ना तो इच्छा देण वालियां दी सी, वो उठ भी सकते सन नहीं भी उठ सकते सन, गुरु ने फैसला उन्हां ते छड़ दिता। कल नूं कोई ये ना आखे गुरु ने हाथ विच नंगी तलवार लैके अपने सिखां नूं हुक्म चाड़ दिता तुहाडा सिर मैनूं चाहीदा ही चाहीदा, नहीं। हजूर ने मंग रखी है, तुहाडा मन मनदा है ते ये इच्छा पूरी कर दे, नहीं मन मनदा तां वी कोई गल नहीं, रंजिश कोई नहीं, गुस्सा कोई नहीं। गुरु ने सिर मंगया है, हुक्म नहीं किया, पर प्यारे महबूब की पहली आवाज उत्ते गुरु का सिख उठ खलोता। मेरे इस गल नाल कई सजणा दे मतभेद हो सकते ने, मेरा यह ख्याल है उठन वाले तो बड़े होणगे, जिस वल हजूर ने अपने हाथ का इशारा किया वो हजूर दे सामने आके खलो गया। ये साड़ी व्याख्या की कमी है, ये सिखी सिदक की कमी नहीं है। असी कह देंदे हाँ गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज ने जिस वेले सिर मंगे सन एक हलचल पैदा हो गई, होई होवेगी। जिते सिदक दियां मूरतां सत संगत विच गुरु दे दर ते विराजमान हुंदियां ने, उत्थे मेरे वर्गे मौज मेला वेखण वाले भी तो आउंदे ने ना,
कोई अत कथनी नहीं, संसार नूं दो दूनी चार दे पहाड़े वांग एक फिगर नहीं कढ़ी जा सकती। इत्थे तरह तरह की बिरती है, तरह तरह की सोच है, तरह तरह की भावना लेके लोग गुरु के दर के उत्ते आउंदे ने, पर जिन्होंने सिदक के उत्ते खरे उतरन का प्रण कर लिया गुरु के सन्मुख, उन्हां दे अंदर कोई हलचल नहीं। मैं गरीब नवाज पातशाह जी का एक शब्द पढ़ता हाँ बाणी के विचों। उस विच महाराज ने जिक्र किया है कि गुरु की प्रभु की शरण पैना की है, ते जेड़ा गुरु नूं समर्पित हो जाता है उसका जीवन किस कदर उसके अंदर की वासना मुक जाती है। मैं अगे भी एक दिन बेनती की सी, बड़े सवाल, बड़े शंके, बड़े लॉजिक, बड़े तर्क, बड़िया दलीलां साढ़े मन अंदर हमेशा एक शोर शराबा करी रख दिया ने, ते वो सारिया दिया सारिया गल्लां कई बार असी एक दूजे नाल जिस वेले सांझियां करदे हाँ ते साढ़े मत भेद पै जांदे ने। वो मत भेद किस गल दे ने, कोई आके नहीं नहीं इवें नहीं इवें होया है, कोई आकेगा नहीं गुरु पातशाह सिर किवें मंग सकदे सन, बड़िया अजीब किस्म दियां गल्लां होणगियां। पर मेरा अपना यह मत है जे सानू सिख ते गुरु दे रिश्ते की समझ आ जाए इन्हां दलीलां दा एक कौड़ी मुल नहीं रह जांदा। अजे साडा रिश्ता गुरु नाल नहीं बन सकता क्योंकि असी केवल तर्क उत्ते खड़े हाँ, दलील उत्ते खड़े हाँ, अपने मन दे खड़े हुए सवालों की घूमण घेरी विच फसे हुए हाँ। पढ़ो तुसी गरीब नवाज जी की पावन बाणी का शब्द, जिसने सिख की घाड़त घड़नी है, जिसने सिख नूं घड़ना है, वह शब्द की कहिंदा है, सतगुर आयो शरण तुहारी। ते उस शब्द में महाराज ने इहदे नाल रलदे मिलदे बचन वरते ने, दोवां शब्दों का भाव अर्थ तुसीं वेखोगे इक्को जिहा होएगा। अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। मैं जदों तेरी शरण में आके समर्पित हो गया, हे प्रभु हुण तेरे हवाले हाँ, तेरी इच्छा होई मरन लई भी तैयार हाँ, तेरी इच्छा जिंदा रखना ते जीण लई भी राजी हाँ। राख प्रभु भावें मार, लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जा। लोकां दियां चतुराइयां ते लोकां दी फोकट दी उपमा देनी, तुलना करनी, सत्कार देने, माण ते प्रभुता वड्याई देनी, ये हुण चीज़ां मेरे वास्ते बड़ियां तुच्छ रह गईयां ने, छोटियां रह गईयां ने। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ठहार। कोई मैनू आके भी तू चंगा कर रहे हंकार कोई नहीं, कोई मैनू आके तू गुरु दे राह ते तुर के लैणा की है, हौसला ते दिल ढाउण वालियां गल्लां मेरे कन्नां विच पाए परवाह कोई नहीं। गौर करना, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, ना तो यह काम मैं संसार की वाह वाह खटन वास्ते करदा, ते ना ही मैनू संसार दे बोले सुन के कबोल सुन के मेरे मन अंदर कोई तड़थली मचदी है। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद लोगों नूं रिझाउणा नहीं, मेरा मकसद अपने प्यारे महबूब दे चरणा दे विच आपा भाव कुरबान करना है। मैं लोगों की आवाज उत्ते नहीं जी रहा, मैं गुरु की आवाज उत्ते जी रहा, फर्क केवल इन्ना है। मैं इतिहास की एक घटना तुहाडे नाल जरूर सांझी करनी है। 1762 ईस्वी के अंदर जिस वेले अहमद शाह अब्दाली ने श्री दरबार साहब की इमारत दियां नीहां दे विच बारूद बिछा के उसनों उड़ा दिता सी, यह सिख इतिहास की एक बड़ी अहम घटना है। और इस समय के अंदर ही वड्डा घल्लूघारा सिखां दे नाल वापरिया कुपर हीड़े दे मैदान दे विच। खिमा करना, दुनिया दियां सियाणियां कौमां मॉडर्न होईयां ने पर अपने पिछोकड़ नूं भुला के नहीं। साडी एक कमी, असीं मॉडर्न होना चाहुंदे हां पर पिछोकड़ नालों बिल्कुल टुट जाना चाहुंदे हां। अज कौम पढ़दी नहीं इस गल नूं किवें 30 तों 35 हज़ार तक बच्चे तो लै बजुर्गों तक उन्हां दियां मावां बजुर्ग नौजवान ते दुध पींदे बच्चे एक दिन दे विच अबदाली की सेना ने कतल कर दिते सन। और उन्हां मरजीवड़ियां दा तुसीं सिदक वेखो, उन्होंने ये शहादतां की लंबी कतार लाउण तो बाद भी कोई शोक मता पास नहीं सी कीता। निहंग सिख मुख सो कहियो, दीनों सकल सुनाए, तत खालसो सो पयो, गयो सो खोट गवाए।
उस वेले जदों उसने जांदिया होया दरबार साहब की इमारत नूं ढहे ढेरी कर दिता। ये जिहड़ी इमारत अज तुसीं श्री दरबार साहब अमृतसर दी दर्शन करदे हो, ये 1762 विच दुबारा बनाई गई इमारत है। की उसे तकनीक ते उसे ढंग की जिस तरह की गुरु काल विच सिरजी गई सी। सिख सूरबीर इकत्र होए जिन्हां विच सरदार जस्सा सिंह आलूवाड़िया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, सरदार बघेल सिंह करोड़ सिंघिया मिसल दा, जिस विच बड़े वड्डे वड्डे उस वेले दे सरदार चढ़त सिंह, दादा महाराजा रणजीत सिंह दा, जिन्हें सिख सरदार सन उन्होंने अमृतसर की धरती ते इकट्ठिया हो के विचार किया। बाकी सारियां गल्लां मगरों सब तो पहला सानू श्री दरबार साहब की इमारत दोबारा तामीर करनी चाहिए है। सतगुरु के प्यारिया ने एक चादर सी चादर विछा दी, आख्या हर कोई अपनी वेत मुताबक ये योगदान पाए। और एक घटना है दिवाली दी, मैं इतिहास के पन्ने पढ़ता हाँ। अपने घर तो दाने लैके आए सन कुछ किरती बंदे भी शहर इन्हों वेच के वट के उतों कुछ घर वास्ते सौदा समान खरीद लियावे। उन्होंने बजियां दाणिया दियां गठड़ियां उस चादर ते रख दित्तियां। सिख सरदारा ने आख्या ओ सिखो गुरु दे प्यारियो तुसी आए हो सौदा लैण वास्ते, घर दे गुजारे किवें चलणगे। कहण लगे जिवें अगे चलदे ने उवें अज वी चल जाणगे, पर अज गुरु दे दरबार की सेवा वास्ते असीं इह सारा कुछ करना है। अपनिया जेबां पुठियां करके झाड़ दित्तियां एक किस्म दियां सिखां ने कि गुरु के दरबार लई सेवा होनी है। जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल कि गुरु नूं सिख किवें जीउंदा है अपने जीवन के अंदर, वह सारी चादर इकट्ठी की जिनी माया जो कुछ इकट्ठा होया सी। भाई देसराज संघ पिंड सुर सिंह दे उन्हां दे हाथ फड़ाउंदिआं होइआं ना सिख आगूआं ने जथेदारां ने उन्हां नूं आखिआ भाई जी असी तुहानूं खालसा पंथ वल्लों एक मोहर दिंदे आ, तुसी जिहड़े भी सिख सरदार नूं चिट्ठी लिखोगे मोहर ला के वह तुहानूं बणदी सरदी सेवा भेज दिया करेगा। ये जिनी भी इमारत बननी है सारा साजो समान तुसी इकट्ठिया करना है, तुहाडी जिम्मेवारी है। भाई जी ने आख्या खालसा जी पैसे तो गिण लो, हिसाब तो रख लो। सिखां ने आख्या नहीं भाई जी, जदों तुहाडी नीयत उत्ते सानू शक कोई नहीं तो फिर गिणती का की मतलब है। तुसी ये जो कुछ है लै जाओ, जरूरत पई खालसे नू याद जरूर करियो। भाई जी ने अपने घर के अंदर चूना पीण वाले खरास ला दिते, सारा समान इकट्ठा करना शुरू कर दिता। एक दिन भाई जी किधरे बाहर चले गए अपनी काम कार वास्ते, घर पक्का सी, घर की एक कंध दे विच निक्की जिही तेड़ आ गई। घरवाली ने सोचिया साढ़े घर दे विच चूना पीसिया जा रहा है, तेड़ वध ना जाए, क्यों ना थोड़ा जिहा चूना भिओं के मैं अपनी कंध दे उत्ते लेप कर दिया तां कि तेड़ मिट जाए। वो लापे एक चूने की होएगी, उन्हें भांडे च पाई थोड़ा जिहा पानी पाया, उन्हें गिला करके लेस जिही बना के वह घर की जिहड़ी तेड़ सी कंध दे उत्ते आई उन्हें बंद कर दिता। गल बड़ी मामूली है, बड़ी छोटी है। भाई देसराज जी शाम वक्त जदों बाहरों आए घर के अंदर टहलदियां ध्यान पिया कि कंध दे उत्ते तेड़ आई सी पर हुण है नहीं, ताज़ा ताज़ा इहनू चूना लग्गिया। अपने नौकर नूं पुछिया ये किहने कीता है, वो कहण लग्गिया जी सरदारनी जी ने कीता है। अपनी घरवाली नूं सद के पुछिया भागा वालीए इस कंध दे विच तेड़ सी इहनू बंद किहने कीता है, कहण लगी जी मैं लापे इक चूने दी लै के जिथे वह चूना पीसिया जाता है अपने घर की कंध नूं ये तेड़ नूं मिटाउण वास्ते वरतों विच लै आ। भाई देसराज दे मत्थे ते वट पै गया, कहण लगे तू चंगा नहीं कीता, घरां दीआं कंधां दीआं तेड़ां मेटदी मेटदी ने मेरे सिदक विच बड़ी वड्डी तेड़ पा दित्ती है। मेरे ते खालसे दे दरम्यान एक अहद होया सी, सिख अपनियां जेबां झाड़ गए सन, अपने घर सौदा नहीं सन लैके गए उस दिन जिस दिन उन्होंने सारी की सारी चादर मेरे हथां च थमाउंदिआं आख्या सी भाई जी इमानदारी दे विच गिणतियां दा की मतलब है, लै जाओ सारी जिम्मेवारी तुहाडी है। ते खालसा पंथ ने
अपनी मोर मेरे हथा विच थमाउंदे आख्या जिन्हों भी चिट्ठी लिख दौ कि अपना आप वेच के भी तुहानू सेवा भेजदा है ये तू चंगा नहीं किया। जदों उदास ते गमगीन देस राज दे चेहरे नू उहदी घरवाली ने वेख्या आख्या पति जी इन्नी चिंता करन दी इन्ना गम करन दी लोड़ की है एक लप चूने दी इहदी किन्नी क कीमत है किन्नी क चीज है एडी वड्डी तुसी सेवा कर रहे हो वैसे भी डुल के बर्बाद हो ही जाती है चीज एक लप चूने की मैं वरत ली कि काखर आ गई किड्डा तूफान आ गया इन्नी दिल नू लाउण वाली गल कहड़ी है। भाई देसराज ने आख्या नहीं सवाल थोड़े दा जा बहुते दा नहीं सवाल डुलण जा विगड़न दा भी नहीं सवाल भरोसे ते विश्वास दा है। मेरा अपने गुरु नाल अहद है हक पराया नानका उस सूअर उस गाय गुर पीर हमा ता परे जा मुरदार ना खाए। ते घरवाली ने आख्या भाई जी ना इत्थे को खालसा वेखदा ना किसे नू पता लगना है इहदे च एडी लोहड़े वाली गल की है। कहण लग्या नहीं तेरी नज़र विच लोकां दीआं अखां उड़गियां जिहड़ियां वेखदियां ने पर जिस सिख ने अपने हिरदे दे अंदर अपने गुरु नू जगह दित्ती होवे ना उहदे वास्ते उहदा गुरु सदा ही उहनू वेखदा है। संसार दी उहदे वल पेठ हो सकदी है गुरु दी कदे अपने सिख वल पेठ नहीं हो सकदी। ऐसियां एक नहीं गुरु के प्यार वाले इतिहास विच बड़ियां अजीब ते वखरियां घटनावां तुहानू बहुत पढ़न वास्ते मिलणगियां। मैं महसूस करदा हां कि यह गुरु दे नाल एक अदुत्ती रिश्ता जोड़ लैण वाली गल नहीं कि जिथे संसार की कोई अख भी सिख नूं नहीं वेख रही सिख उत्थे भी महसूस कर रहा है नहीं गुर मेरा संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले। मैं गुरु तो दूर नहीं गुरु मेरे कोलों दूर नहीं मैं तो सदा गुरु की हजूरी नूं माणदा हाँ गुरु के प्यार नूं अनुभव ते महसूस करदा हाँ। मेरा एक एक साह मेरे गुरु के अधिकार विच है और मेरी जिंदगी किस दिशा विच चलेगी ये मर्जी मेरे गुरु की है। इस कदर अपना जीवन गुरु नूं समर्पित कर देण वाले मरजीबड़े गुरु के सिख गुरमत नूं जीण वाले सिख इतिहास विच उन्हां दीआं गाथावां जिवें उन्हां ने जीवन जीविया भरिया पईआं ने। अज असीं इस चिंतन विच उलझ जांदे हाँ कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने जिस वेले तलवार नाल सिर मंगे है सिख दा सिख दे अंदर की हलचल होई होएगी। खिमा करना अपने अंदर दे उठदे तूफानां नूं उहनां नाल ना जोड़ो जिन्हां नूं सिदक दी खेड खेडण दी जाच आई है। अपने अंदर दी कचियाई नूं उहनां दे नां उत्ते मड़ना बंद कर दिओ जिन्हां ने इस पक्की खेड नूं खेडण दा शौक बहुत पहलां पाल लिया सी जिस वेले दिल्ली दे चांदनी चौंक विच काजी खलोता होया उहनां नूं हुक्म करदा सी सिखा जां गुरु वाले पासे हो जां सरकार वाले पासे हो फर्क केवल इन्ना पैणा है गुरु वल मुख करेगा उबड़ दी देग मिलेगी आरे नाल दुफाड़ होएगा ते जूंदा साड़ दिता जाएगा। सिख ने आख्या मेरे पैर दी ठोकर दे उत्ते ने तुहाडियां नवाबियां गुरु वल ही मुख होएगा और मैं ये चाहुंदा हाँ जिस वेले तुसी मेरे तन नूं दुफाड़ कर रहे होवो मेरा मुख मेरे गुरु वाले पासे रखना मैं तुहाडी सोच दे उत्ते अपने सिदक दा गलबा पाए बिना इस धरती तो जाना नहीं। संसार दे लोग पुछदे ने कि गुरमत करामात नूं मंदी है कि गुरमत विच रिद्धियां सिद्धियां कबूल ते प्रवान ने। ओ गुरु के प्यारिओ चांदनी चौंक दे इतिहास दी इबारत नूं पढ़ो कि ये करामात नालों कोई घट है। संसार दे अंदर बंदा अपनी जिंदगी जीण वास्ते अपणियां दे खून नाल अपने हाथ रंग दा वेख्या गया दूजे दी थाली विचों रोटी चुक के अपने ढिड नूं झुड़का देण वास्ते चोरी डकैती ते ठगी मारदा वेख्या गया। तुसी सिदक दीआं बातां पढ़ोगे ते हैरान रह जाओगे ऐसी अदुती घटना जिते सारा संसार लोभ च ग्रसिया जिहनूं भगत जी ने आख्या सी ना लोभ लहर अत नीजर बाजै काया डूबै केशवा संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला। ऐसी दुनिया के अंदर चांदनी चौंक तुहानू दस रहा है इत्थे संसार की एक अदुती करामात वापरी है। इस धरती के उत्ते तीन सिखा ने गुरु वल मुख रखण की शर्त के उत्ते अपना आप कुरबान कर दिता है। इस कदर सिख सिदक के पहाड़े पढ़ चुके हैं अज केसगढ़ के मैदान के विच
दुनिया के सामने धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की जोत ते जुगत दे वारस धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने दसना। मैं इतिहास में थोड़ा जिहा होर अगेरे लै जावां। तलवंडी साबो दे विच वीर सिंह ते धीर सिंह किवें हजूर के सामने आ खलोंदे, ना तो हजूर का मनशा उन्हां नूं गोली मारना ते ना ही गुरु साहब सच्चे पातशाह का मनशा उन्हां नूं डराउणा है, पर भाई डले नूं दसना है। वेख जिथे सिदक की गल आउंदी है, इस कदर सिख गुरु के दर के उत्ते समर्पित हो जाता है। वेख इहो जे मरजीवड़े सन मेरे नाल, उन्हां चमकौर दीआं कचियां गड़ियां दे विच लड़न वाले, उन्हां मैदानां दे विच जूझण वाले, जिथे बेअंत दिल्ली की सल्तनत का मुलखिया आके जमा हो गया सी। लड़ाइया साजो ते समान नाल जरूर लड़िया जांदियां ने, पर सिदक तो बिना बड़िया ऊणिया हुंदियां ने। 1915 दे विच एक मुसलमान हकीम मिर्जा अल्लाह यार खां जोगी रहमानी ने दो किस्से लिखे सन। उन्हूं कहिंदे ने उर्दू विच नज़म ते पंजाबी च उन्हूं कहिंदे ने बहुत लंबी कविता। पहली दा उसने नां लिखिया गांजे शहीदां। गांजे शहीदां दा मतलब हुंदा है शहादत दा अदुत्ती खजाना। ये उसने बहुत लंबी कविता लिखी सी चमकौर दी जंग बारे, और तुसी हैरान होवोगे कदे पढ़ के वेखना, इन्ना रस, इन्ने जज्बात, इन्ना गुरु नूं नेड़े महसूस करके उस जंग दा उसने अखर पाए ने, बंदे दी अकल चकरा जांदी है। दूसरा उसने लिखी नज़म, उसनूं कहिंदे ने शहीदां ए वफा। उह साका सरहंद दे बारे लिखी गई। अज तक उहदे पाए दी नज़म कोई गैर सिख लिख नहीं सकिया। 100 साल हो गए जी उसनूं, असी नहीं पढ़ी, असी नहीं जानते उस बारे। जिसनूं अपनी सोसाइटी ते अपने काजियां ने दुरकार दिता, अफसोस दी गल सी, सिख नूं वी ओह भुल गया। तेरे गुरु दे किस्से लिखण वाला, तेरे गुरु दे सोहले गाउण वाला, काजियां दी अख दा वाल बन के रड़कण वाला सिखा, तू भी उन्हों अपने मगरों ला छड़े, तेनू चेता करन दी की जरूरत सी। तेरे कोल ते वक्त नहीं है, समा नहीं है। जिंदगी जीवन वास्ते हर एक दा समा कीमती हुंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दा समा बहुत बेशकीमती सी। तुहाडी खातर उसने माछीवाड़े दे जंगलां च समा बिताउणा प्रवान कर लिया। तुहाडी खातर चार पुत्रां तो बिना उसने 1708 तक अक्तूबर महीने तक जीना प्रवान कर लिया। तुहाडे तो बिना उस मातावां ने अपने दिल दे उत्ते सिदक दा पहाड़ लद के प्रवाह त्याग दित्ती कि साडे पुत्र इस दुनिया तो चले गए हन। समा ते उहनां दा वी बड़ा कीमती सी कि उहनां दी जिंदगी दे कोई रुझेवे नहीं सन, कोई शौक नहीं सन, कोई लोड़ां नहीं सन। कि उह इस धरती दे उत्ते इनसानां वांग पैदा नहीं सन होए, जिन्हां ने अपनी सारी जिंदगी दा ते ला छड्डी। अज सिख बहाना करदा है जी मेरे कोल तां इक शब्द पढ़न दा वी समा नहीं है। गौर करना, जे तुहाडे कोल 10 मिनट का भी समा गुरु ग्रंथ साहब की गल सुन दा नहीं है, खिमा करना, भविख कोल तुहाडी पछाण कायम रखण का भी बिल्कुल समा नहीं है। भविख तुहानूं रोल के रख देवेगा। मेरा दागिस्तान पुस्तक विच लिखारी रसूल हमजा तोब ने लिखिया, तुसी बीते उत्ते पिस्तौल नाल गोली चलाओगे, भविख तुहानूं तोपां नाल खुंड के रख देवेगा। जे तुसी अपने बीते नूं इन्ना इगनोर करदे जाओगे, आउण वाले समें च लोक तुहानूं पुछणगे कौण हो तुसी, तुहानूं जवाब नहीं आएगा। तुसी उस वेले तक सब कुछ भुल के गवाचे हुए इस दुनिया च फिर रहे होवोगे। संसार भर दीआं कौमां ज अपनी पछाण खातर लड़ रही ने ते उद्दम यतन कर रही ने। असी कहदे लई लड़ रहे? अपने स्वार्थ लई, अपनी हौमै लई, अपनी ईरखा लई, अपने हंकार लई। सिखा हर साल जिस वेले कलगीधर साहिब महाराज दे सनमुख खड़े 5 प्यारियां दा सीस भेट दिवस मनाउंदा है, किते ते अपने गिरेबान विच झाती मारन दा थोड़ा बहुत दिल जिगरा कढ़िया कर, किते ते अपनी पीढ़ी हेठ सोटा मारन दी कोशिश करिया कर। तू 5 प्यारियां दे सिदक उत्ते सवाल उठाउणा है, अपने सिदक वल वी हथ मार के वेख किथे खलोता होया, कि तेरे वास्ते वी तेरे कोल समा नहीं है। गुरु ते उटंकण कर लई तेरे कोल समा है। अपनी कमजोरी नूं लुकाउण वास्ते दुनिया भर दीआं गलत दलीलां कट्ठियां कर लैण दा तेरे कोल वक्त भी है, तेरे कोल एनर्जी भी है,
पर कदे अपने आप नूं गुरु दी बाणी दे शीशे दे सामने खलियार के अपना चेहरा वेखण दा समा तेरे कोल नहीं है, फिर ये काम कौन करेगा? की ये वधाइयां फूकियां चलियां जाणगियां कि हर साल खालसे दा मनाया होया जन्म, हर साल खालसे दा मनाया होया प्रगट दिहाड़ा एक रस्म ही बन जाएगी कि कोई उठिया सी उन्हें सिर दे दिता, बस असी शुगल मेला करांगे, कहानी खत्म हो जाएगी। सिखा तू भी वक्त कढ के अपनी कौम बारे कुछ सोचेगा? नहीं सोच सकांगे असी, क्योंकि अजे साडे सुरत दे उत्ते स्वार्थ दा बोझ बहुत है, हौमै दा बोझ बहुत है, चौधरां दा बोझ बहुत है, ईरखां दा भार बड़ा ज्यादा है। अजे ते साडी सुरत नूं साह ही नहीं आउंदा, ये मुक्त होए विचारी ते कुछ सोचण वास्ते उद्यम करे ना, अजे ते इहदी भुख ही दूर नहीं होई, ये तो इन्नी भुखी है सारा पंथ भी खा जाए रजेगी नहीं, इहदे अंदर ऐसा अग दा झुलका बल उठिया है। गरीब नवाज गुरु के प्यार वाले, सरहंद दियां उन्हां दीवारां दी गल करदे आ ते चमकौर दे उस मैदान दी गल करदे आ, अल्लाह यार खां जोगी ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दे प्रथाए लिखिया सी, जिस रण में लड़ा बे सरो समान लड़ा तू, सौ सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। अरे गुरु गोबिंद सिंह साहब तेरे को कोई साजो समान नहीं सी लड़ाइया लड़न वाला, पर हां सिदक दे बल बूते उत्ते तू जंग लड़ी है, सिदक दे बल बूते उत्ते संसार अंदर तू इतिहास पैदा कीता है। नहीं तो बेअंत मुलखइए दे सामने 40 बंदे की होंदे ने जी, वह भी भुखण भाणे, वह भी हालातां दे मारे होए, वह भी बिना साजो समान तो। गल केवल इन्नी सी, एक पासे सिदक दी लड़ाई सी, एक पासे सत्ता दी भुख दी लड़ाई सी, दोहां दे दरमियान चमकौर दा मैदान सी। ते अज खिमा करना, मैं अपने आप नूं टो के वेखदा ते मैनू नहीं लगदा मेरे सामने चमकौर दी गढ़ी है, मैं चमकौर वाले पासे खड़ा, मैनू तां लगदा मैं सरहंद दी फौज वाले पासे खड़ा, वह भी स्वार्थ दी लड़ाई ही लड़ रही सी, मैं भी अज स्वार्थ दी जंग विच उलझिया होया हां, चेता मैनू भी अपनी होंद दा कोई नहीं, ख्याल मैनू भी अपनी कौम का कोई नहीं, ध्यान मेरा भी गुरु वाले कोई पासे कोई नहीं। जेडे चमकौर की गढ़ी में सना गुरु उन्हों की पिठ उत्ते खलोता सी, जेडे सामने सन गुरु उन्हों के सामने हथियार लेके खलोता सी, फैसला गुरु के सिखा इतिहास में जी के तू करी किहड़े पासे होके खलोना, चमकौर वल मुख करके जे तां खलोना है, विरोधी धिर वाले पासे ते गुरु के पत्थे के तीर तेरे सामने होणगे, ते जे तू खलोएगा गुरु वाले पासे ते गुरु तेरी पिठ उत्ते होएगा और तैनू इतिहास का नायक बना देगा गुरु, तैनू इतिहास का हीरो बना देगा गुरु। हट मास दे पुतले नू गुरु ने इस धरती दे उत्ते ओ जीवन दान बख्शिया, उन्हें दुनिया के इतिहास की सूई मोड़ छड़ी। सतगुरु सचे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिन्हां दे बाबत अल्लाह यार खां जोगी ने यह गल लिखी है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मंज धार को जा लहर को देखे, सागर चुट दियां हुईयां लहरां कदे उस सागर दी था नहीं पा सकदियां। साडे बोल साडियां गल्लां अधूरे ने, असी पूरे दी पूर्ण रूप विच वडियाई करन दे असमर्थ हां। प्रोफेसर पूरन सिंह ने लिखिया, ऐ गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज मैं तेरे किहड़े रंग उत्ते चानना पावां, मेरे को इन्नी समर्था नहीं, खाली भांडिया नूं तू इन्नियां दातां नाल भर दिता है, ते ए वजूद अज तेरे सामने बिल्कुल समर्पित होया पिया, इन्ना ही कह सकदा हाँ, ऐ गुरु गोबिंद तू अबर हमम है, ऐ धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सचे पातशाह तेरे वर्गा इस संसार विच तेरा कोई सानी ही नहीं, इदों वध मेरे कोई अल्फाज नहीं जिहड़े मैं तेरे वास्ते कह सकां, तेरी शोभा दे विच तेरी वडियाई दे विच। मैं बेनती कर रहा सा, सिख जदों गुरु दे नाल अपने रिश्ते ते रिलेशन की पहचान कर लेंदा है, उस वेले गुरु की आवाज़ निरंकार की आवाज़ होर निबड़ती है, उस वास्ते उहदे वास्ते बाकी सारा कुछ छोटा है, सारा कुछ तुच्छ है, बाकी आले दुआले दे रोल कचोले रौला रप्पा ये जिन्ना कुछ भी है ये सारा कुछ थले रह जाता है, उते केवल गुरु दे ही नूरानी दर्शन सिख हर एक जगह दे उते करदा है। सतगुरु दे प्यार वालिओ, मैं महाराजा रणजीत सिंह दे काल दी एक घटना पढ़ रहा सां, किवें जिस वेले जे साडे अंदर जरती भर गुरु दी सिखी ते पंथ नाल प्रीत होवे
ऐन मौके आते ने जदों साढ़े अंदर का वो जज्बात उबाले मारदा है ते कुराए पाए हुए सिख नूं पता नहीं गुरु कौनी आप बांह फड़ के मोड़ लैंदा सिखा ये तेरी दिशा नहीं तेरी दिशा वक्री है। एक सरदार सन सरदार जय सिंह अटारी वाला महाराजा रणजीत सिंह नालों दी अणबण हो गई। उसने काबल दे हुक्मरान की नौकरी कर ली अपने सारे जत्थे पलटन समेत वह काबल का नौकर हो गया। फ्रंटियर एरिए दे उत्ते उस वेले सिखां दी ते अफगाना की बहुत खूनी टक्कर चलती सी। अफगान वो लोग सन जिन्हां ने सदियां भारत नूं लुटिया ते कुटिया और माण करिया करो तुहाडे सिख सरदार सरदार हरि सिंह नलवा ने अपनी छाती डाह के दरा खैबर बंद कर दिता सी। उस वेले तुसीं अज वेखो मीडिए दे अंदर अफगान दे अंदर वो ग्रुप मौजूद ने जिहड़े बंदियां दे सिर कलम करके उन्हां नाल फुटबाल खेडदे संसार भर दा मीडिया उन्हां नूं वेख रिहा दुनिया भर दियां अखबारां लिखण वास्ते उन्हां दे विरुद्ध उतावलियां ने पर अपनी बनी हुई सोच नूं त्यागण वास्ते लोक तैयार नहीं। जिस समय की मैं जिक्र कर रहे अज तो 200 साल पहलां दी गल उदों की नियम कानून होणगे अंदाजा तुसीं आप ला लैणा। अज तां संसार दियां सरकारां दे प्रैशर ने उदों की सी उदों बंदे दे उत्ते किस कदर जुल्म हुंदा होएगा ते अफगानी लोग भारत दे अंदर किहो जी सल्तनत कायम करना चाहुंदे सन। जे किते भारत वासियां नूं इह गल अज वी समझ आ जाए सरदार हरि सिंह नलवे का नाम लैण तो बिना वह पानी की घुट नहीं पीणगे। सरदार जय सिंह अटारी वाले ने काबल के हुक्मरान की नौकरी कर ली। फ्रंटियर एरिए लड़ाई चल रही सी अजे जाके उन्होंने दरबार में बैठे सन। बड़ा सन्मान योग उसने अहुदा एक चेयर एक कुर्सी मंगवा के जय सिंह नूं दित्ती बैठन वास्ते। उसनूं लग्या मैनूं तां बहुत ज़्यादा माण सन्मान मिल रहा है सबब की गल यह पहला ही दरबार से जिस विच जय सिंह नूं सद्या गया से। इहदे विच उहनूं नौकरी दित्ती जाणी सी खिलत ते होर जगीर वगैरह दित्ती जाणी सी अहुदा दित्ता जाणा सी। अचानक आ के एक नफर नौकर जिहड़ा है वह काबल के बादशाह नूं कहिंदा है जी फ्रंटियर एरिए चों कुछ सिखां दे नाल अफगाना की लड़ाई होई है ते राहगीर सिखां दे सिर वढ के लियांदे गए ने जे तुहाडी इजाजत होवे ते तुहाडी नज़र पेश कीते जाण। काबल के बादशाह ने जय सिंह अटारी वाले दे मन ते प्रभाव पाउण लई भी असीं किन्ने ताकतवर हाँ इजाजत दे दित्ती। तुसीं हैरान होवोगे वड्डे थाल तशत्रियां दे विच रखे हुए सिखां दे सिर जिन्हां दे सिर ते दस्तारां तां की होणियां वाल जूड़े खुले हुए सन उपरों कपड़ियां नाल कजे हुए इवें पेश कीते गए जिवें बहुत वड्डे तोहफे लियांदे गए होण। जदों उन्हां तों कपड़ा हिलाया गया जय सिंह अटारी वाला पबक के अपनी कुर्सी तों उपर उठ के खलो गया। उन्हें इन्ना वट खादा बिना कुछ गल कीते उठ के बाहर आ गया और केवल उहदा दरबार ही नहीं सद्या छड्या अकाली फूला सिंह नूं आके उसने हाथ जोड़ के आख्या अकाली जी भावें मेरे ते महाराजा रणजीत सिंह दे दरमियान अणबण है ते गलती भी शेरे पंजाब दी है पर मैं अज जो नज़ारा अपनी अखां दे नाल वेख के आया हाँ रब किसे दुश्मन नूं भी यह नज़ारा ना विखाए मेरिया अखां दे सामने मैं कुर्सी उत्ते बैठा सा जिस दरबार विचों मैं अहुदा चाहुंदा सा उस दरबार विच मेरे भरावां दे सिर थाला दे विच भेट करके रखे गए सन। अज जिंदगी का सब तो औखा दिन बिताया है मैं सब तो औखे पल जीवे हैं मैं मेरी सिखी ने मैनू अंदरों लानत पा पा के होर भी जर्जरा ते कमजोर कर दिता है। मैं समझदा अज ये सारा कुछ अपनी अखां नाल वेख के ते बर्दाश्त करके मैं अपने पुरखियां की कमाई हुई सिखी ते बहुत वड्डा प्रश्न चिन्ह ते धब्बा ला दिता है। अकाली जी ने आख्या चाहुंदा की है हुण की लैणा है कहण लगा जी बस महाराजे दे सामने लै चलो गलती उन्हां दी माफ़ी मैं मंग लवांगा पर मैनू ये गल पसंद नहीं मेरे सिख भरावां दे उत्ते ऐसा जुल्म होए ऐसा धक्का होए मेरे सामने मेरी अखां दे सामने मेरी सिक्खी नूं इस तरह सिर कलम करके खत्म किया जा रहा होए। गुरु के सिख जी ये सिख दे अंदर दी पंथ दे प्रति दया बोल उठी सी ये सिख दे अंदर दे पंथ दे प्रति जज्बात बोल उठे सन। फेरू की जंग दे विच अंग्रेज ने एक डिगे हुए बजुर्ग सिपाही नूं आख्या तलवार सुट दे
तू हार गया। वो निढाल पिया से उसने अक पुट के अंग्रेज ऑफिसर वल वेख्या, कहण लग्या जनाब अजे पंथ का हुक्म नहीं, तुसी चाहो तो मेरी सह रग दे उत्ते वार करके मैनू खत्म कर सकदे हो, असी जंग हार गए हैं पर पंथ का हुक्म नहीं है कि मैं तलवार सुट दे। सिखो सोच के वेखो, पंथ ना नीलियां पगां वेचे, ना खटियां पगां वेचे, ना चिटियां पगां वेचे, पंथ तुहाडी सुरत विच जिउंदा है, तुहाडियां रगां च वसिया होया सपेट बन के। एक इकला सिख भी यह गल सोच के महसूस करता सी, मैं अपनी जिंदगी पंथ लई जिउंदा हाँ। पंथ कोई धड़ा नहीं सी, उस विच किरत करन वाला हर किस्म का सिख जिहड़ा वह पंथ का बराबर अंग ते हिस्सा मनिया जाता सी। अज असी धड़िया नूं पंथ बना लिया, अज असी पहराव्यां नूं ही पंथ मन के बैठ गए हाँ। धड़े ते पहरावे पंथ का हिस्सा सन, सारा पंथ नहीं सन। ये गल्लां जिन्ना चिर सानू समझ विच नहीं आउणगियां असी पुराही पैंदे तुरे जावांगे और बहुत दूर निकल जावांगे। गरीब नवाज धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने जिस वेले सानू खंडे की पौल दे के खालसा बनाया ते नाल नाले आग्या कीती सिखा तेरे लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट भी मैं निर्धारित कीता, मर्यादा नियत कीती है, तू धर्म की किरत करनी है, तू वंड के छकना है, तू दुनिया के लोभ ते स्वार्थ तो उपर उच्चा उठ के जीवन जीना है, तू सरबत दे भले की भावना अपने दिल में रखनी है, ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी की तैनू मैं ताबिया कीता है। गौर करना, ताबिया कीता है। मर्जी ग्रंथ की होएगी पर उसनू फैलाएगा तू, गुरमत गुरु ग्रंथ साहब ही दाएगा, उसनू प्रचारेगा तू। गुरु के उत्ते अपनी मर्जी ना थोपी। आत्मा ग्रंथ ते शरीर पंथ दो चीजा का गुरु ने सुमेल कर दिता, दो चीजा का, क्योंकि आत्मा तो बिना शरीर डेड है, तो कला शरीर जे आत्मा नहीं चेतना नहीं तो डेड हो जाता है, तो कली आत्मा अपना प्रगट किवें कर सकती है, उन्हों शरीर चाहिए, उन्होंने जिसम चाहिए, उन्होंने कलबूत चाहिए। मैं एक विद्वान के लिखे हुए बोल पढ़ रहा सा, उसने लिखे महबूब जिस वेले आनंदपुर साहब की पहाड़ी ते आके खलोंदा है, उहदे हाथ विच तलवार है, खौरे उहदा अंदाज की सी, लोकां ने उठ के अपने झगे भी ना झाड़े। शब्द बड़े सिंपल जे वर्द, बंदा जदों जमीन तो उठदा है ना अपने कपड़े सीधे करदा है कि वेखण वाले नूं मैं बुरा ना लगा, ते जमीन ते बहण वाले अपने कपड़े कई बार अगों पिछों इस तरह झाड़दे ने। शब्द झग्गा कमीज वास्ते वरत्या जांदा है, लंबे सारे कमीज वास्ते। कहिंदा खौरे महबूब की आवाज विच की कशिश सी, की खिच सी, कोई उठण वालिया ने अपने झग्गे भी ना झाड़े ते बेमुहारे हो के उहदी तलवार थले धौण देण वास्ते तुर भी पए। लोक वेख रहे सन किधर जा रहे ने, सोच तो लेंदे विचार तो लेंदे पर सोच ते विचार दीआं अवस्थावां तो बहुत अगे लंघ गई सी गल। भाई वीर सिंह जी ने एक गल लिखी है, कहिंदे जिन्हां उचाइयां उत्तों बुद्धि खंभ साड़ थकी, मलो मली मन उथे मारदा उडारियां, प्याले अण डिठे नाल बुल लग जाण उथे, रस ते सरूर चढ़े झूमा आउण प्यारियां, ज्ञानी सानू होड़दा ते वहिमी ढोला आखदा ए छड परे किहड़े पासे तू जा रहा है, छड परे। ज्ञानी सानू होड़दा ते वहिमी ढोला आखदा ए मारे गए जिन्हां लईआं बुद्धों पार तारियां, ते अंदर दे सिदक ने दुनिया की दलील नूं धक्का मार के पछां करदिआं आख्या छड छड वे ज्ञानी बुद्धि मंडली की कैद विच, वलवले दे देश साडियां लग गईआं यारियां। गुरु वाले पासे जदों सिख ने पैर पुटिआ ना, भाई वीर सिंह दी इस रुबाई का मतलब है अंदर की दलील उठी, दुनिया के ख्याल उठे, उन्हें आख्या किधर मूँह चुकया, जिहड़े इस राह ते तुरे ने ना बहुत औखियां खेडां खेडणियां पईआं ने, जिहड़े इस राह ते तुरे ने गुरु दे होके रह गए ने, उन्हां दीआं मर्जियां नहीं चलियां, किधर चलिया, दुनिया दे रंग वेख, दुनिया दे तमाशे वेख, संसार वेख किथे जींदा है, तू गुरु वाले पासे तुरिया जांदा। ज्ञानी सानू होड़दा ते वहिमी ढोला आखदा है मारे गए जिन्हां लाईआं बुद्धों पार तारियां, ते अंदर दे सिदक ने वहम ते ज्ञान नूं धक्का देंदिआं आख्या बैठ बैठ वे ज्ञानी बुद्धि मंडली दी कैद विच, तू अपनी कैद कटी जा जिहड़ी तू स्वार्थ की कट रहे, तू जिहड़ी ईरखा ते हंकार की कैद कट रहे ना बंदिया कटी चल, पर वलवले दे देश साडियां लग गईआं यारियां, यारी मंग करदी है
प्यारा कुछ मांग रहे हैं तो मैं उसको भेट कर दे। भाई साहब जी ने शब्द पढ़िया सी सतगुर आगे सीस भेट दियो। भेट का अर्थ पता की होंगे कि ये इवज में मैं कुछ मंगना नहीं, सौदा नहीं हो रहा। गौर करो सौदे के गुंजाइश होंगी है कि तुम मैनू की दोगे मैं तुम्हें की दें। एक गुंजाइश, एक लैंड देन, एक व्यापार, एक बिजनेस है। जिहड़ी भेट होंगी है ना, भेट में प्यारे ने मंग रखी, भेट करन वालिया ने भेट करके आख्या सानू चाहिदा कुछ नहीं। गुरु ये ना सोची भी असी किसी इच्छा दे लई ये सारा कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिदा। बस तेरे सामने एडा वड्डा माण मिलना कोई छोटी गल है? इहो ही बहुत वड्डी गल है। गरीब नवाज सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहिंदे ने सतगुर आयो शरण तुहारी। शरण आउण दा मतलब कल्ला इह नहीं कि शरीरक तौर ते गुरु कोल आ गए हां, की साडी होमै छुट्टी है कि असी गुरु कोल केवल दुनिया दीआं चीज़ां मंगण वास्ते आए हाँ, कि गुरु नूं केवल अपने दिल दे वलवले सुनाउण आए, गुरु की कोई सुन नहीं आए? नहीं, जदों समर्पित होई दा गुरु ही मुख हुंदा। मैं ते मिट गई। इसनूं भाई साहब ने कहा मुरदा होए मुरीद ना गली होवना, साबर सिदक शहीद भरम पहो खोवना। ते उह पता किवें जिउंदा है गुरु लई, गोला मुल खरीद कार्य जोगणा। जिवें मुल खरीदिया होया बंदा होवे उह तां गुरु लई इस तरह जीदा, उहदी जिंदगी दे अंदर कोई इस तरह दा ख्याल नहीं कि मैं मेरी दा ख्याल उठे मैं वड्डा हो जावां। नहीं, इस वास्ते सतगुरु आखदे ने मैं एक मंग एक इच्छा है मेरी, वह इच्छा कोई संसार की नहीं। मिले सुख मैनू आत्मक सुख चाहिए, वो सुख नहीं चाहिए जिहड़े आउण ते चले जाण फिर मंगने पैण। सुख वो चाहिए जिहड़ा एक बार आ जाए, दोबारा कदे दुख विच तब्दील ना होए। मिले सुख नाम हर शोभा, मैनू तेरे नाम की शोभा ते वडियाई चाहिए है। चिंता ला हमारी, मेरी आत्मक चिंता अंदरों कढ दे। वेखो शोभा भी मंगी है ते गुरमत दे जीवन की शोभा मंगी है। गौर करो बाकी संसार दीयां वडियाईयां ते शोभा उदों बहुत थले पड़ा दीयां गल्लां ने, बहुत थले ने। अवर ना सूझा दूजी ठाहर, तेरे तो बिना मेरे वास्ते हुण कोई आसरा नहीं। मैनू कोई ठाहर कोई टिकाणा तेरे तो बिना नजर नहीं आउंदा। हार परियो तौ द्वारी। खालसा जी, अज तो 3 साल पहलां फतेहगढ़ साहब के इलाके दे विच गुरमुख प्रचार करन वास्ते असी सारा जथा गए हुए सां। दुपहर का समा साडे कोल खाली सी, असां सोचिया इतों नज़दीक है फतेहगढ़ साहब का स्थान, दर्शन करके आइए। चले गए। एक बीबी जी जिहड़े श्रद्धालुआं दे विच दर्शन करन आए सन, क्योंकि लोग आउंदे जांदे रहिंदे ने, असी खलोते हुए देख रहे सां थले जिस जगह नूं छोटे साहबजादियां दे खून ने माण दिता। असी इसे वर्दी विच सां, उतों दी श्री साहबां पईआं सन। एक बीबी जी आए खलोते हुए, पता नहीं की सोचते। मैनू अज भी उन्हां दी गल चेते आउंदी है बड़ी वार। उन्हां नूं पता नहीं की लग्या, असी इस तरह खलोते हुए चेचे उठ के आए ते साडे मोढ़े नाल उन्हां दा मोढ़ा खह के जिस वेले अगे लंघे साडा ध्यान चलिया गया कि कौन है। कहण लगे भाई साहब आ उही थां है जिथे छोटे साहबजादे शहीद हो गए सन। इन्नी आख के वह माई बीबी चुप कर गई। खौरे उसने सोचा भी इन्हों तो पहले ही पता होना, मैं इन्हों क्यों दसन आई। वह भी चेचा, खैर उन्होंने ये ख्याल बाद में आया कि इन्हों तो पहले ही पता है, तो इन्हों मैं उठ के चेची दसन वास्ते आई हाँ भी इन्हों कि पता नहीं कि वह थां है। वो इन्नी आख के मैं हाथ जोड़ के मैं कह जी तुहाडा धन्नवाद, बिल्कुल ही उही थां है जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के छोटे साहबजादे शहीद होए सन, बिल्कुल उही थां है। मैं बड़ा चिर सोचता रहा इहदे मन विच की आई, सानू वेखदिया सार उठ के आई ते सानू ये चेता कराया इहो थां है। हालांकि पता सानू भी सी ते उहनू भी बाद विच अहसास होया भी इहनां नूं तां पहिलां ही पता होणा, मैं इहनां नूं क्यों दसण वास्ते उठ के चेची आई। पर मैं महसूस किया शायद साढ़े 7-8 बंदियां दे जम घटे ने उसनू मजबूर कर दिता। मैं होर तां कुछ नहीं कर सकती, उठ के इन्हां नूं सद्दा तां दे दे उही थां है। एवें अखां नाल वेख के ना तुर जांदे होण,
किते इन्हां दे अंदर इस गल की चोब वजी ओहो ही थां है, इट्टां वेख के ही ना मुड़ जाए। मैं दिल विच कई बार सोचता हाँ काश संसार की हर सिख औरत ने अपने बच्चे नूं इसे तरह इशारा करके दस्या हुंदा, बच्चिया ये ओहो ही थां है जिथे तेरे गुरु दियां रगां दा खून इस जगह दे उत्ते चो गया सी। चप्पड़ चिड़ी दे मैदान की लड़ाई लड़ी सी बंदा सिंह बहादुर ने, और चार गुणा वध फौज सी सरहंद दे नवाब कोल। बंदा सिंह ने लड़ाई विच जाण तो पहला अपने सारे सिख सिपाहियां नूं खड़िया कीता। घोड़े ते उह सवार सी ते उच्ची आवाज रकाब विच उहदे पैर सन, उच्चे उठ के उसने आवाज दित्ती, खालसा जी लड़ाइया तो सब पहलों भी लड़िया ने ते लड़दे रहोगे, पर एक गल मेरी कान खोल के सुन लियो, जेड़ी लड़ाई अज तुसा शुरू करनी है इस लड़ाई दे विच ना तां जित दा कोई मकसद है ना हार दा कोई मकसद है। जे तुसी अज इस जंग नूं जित गए, दर्शन करोगे उन्हां नीहां दे जिथे तुहाडे गुरु दे बच्चे शहीद किए गए सन। जे तुसी लड़ाई हार गए, तुहाडियां आउण वालियां पुश्तां वी ओह थां नहीं लभ सकणगियां जिथे तुहाडे गुरु दे साहिबजादे कतल किए गए सन। इस तों वध मैं तुहानू कहना कुछ नहीं, फैसला तुहाडे हथ है। और जयकारा काफ़ी सी, अज ते असी जयकारे केवल ते केवल एक खेड बनाउंदे, वो जयकारा काफ़ी सी। सिखां ने एक जयकारे दे नाल बंदा सिंह दे सवाल दा जवाब दे दिता, खालसा जी लड़े। तुसी हैरान होवो कि अपने तो चार गुणा वध फौज दे नाल सिख लड़े, और लड़दियां होया लत्तां कटियां गईयां, बाहां वटियां गईयां, जख्म होए। इतिहासकारां लिखिया जिस वेले उन्हां सरहंद च जेतू अंदाज विच पैर पाया ना, कोई सिख ऐसा नहीं सी जिहदे कपड़िया विचों खून नहीं सी नुचड़दा। मैनू एक कहानी तो याद आई एक गल, मैनू एक बड़े पढ़े लिखे सज्जन आखदे सन, कहिंदे जी ऐसियां लहू रेज कहानियां सिखी दे इतिहास दियां सी, बच्चियां नूं सुनाईए ते बच्चे डर नहीं जाणगे। मैं क्या बच्चे एक्शन मूवी देखते ने, वेखते ने ना, एक्शन मूवी चो की वेखते ने? अज की तकनोलॉजी के हिसाब के नाल कंप्यूटर कृत की हुई वह सारा फिल्मांकन जिहड़ा है, मैं कहो तो तलवार नालों कितने खतरनाक है। तुसी बच्चियां नूं दसो ये संसार विच शांति लियाउण लई, ये संसार विच न्याय लियाउण लई तुहाडे पुरखियां ने किन्नी वड्डी कीमत अदा की है, इस शांति ते एकता नूं बरकरार रखना तुहाडा फर्ज बनता है। मैं क्या सानू अज इस गल तो तुहानू लगता डर आउंदा? तुसीं इजराइल कौम नूं पुछ के वेखो, जिन्हां दे बच्चियां तक हिटलर ने चैंबरां च पा के लू सुटे सन, उन्हां अपने बच्चे बच्चे दे दिमाग विच पाई ये गल, इस इजराइल नूं लैण वास्ते बच्चा असी चैंबरां दा राह वेख्या है। उस कौम ने अपना घर बनाया और अपने बच्चे बच्चे दे दिमाग विच पाई, वो चैंबर अज भी मौजूद ने, लोग वेखण जांदे ने। सानू क्यों डर आउंदा अपने इतिहास तों? किते ऐसा ते नहीं असी अपनी कमजोरी लुकाउण वास्ते भी दस नहीं सके बच्चियां नूं, इस करके असी दलील कढ लई कि नहीं जी नहीं, बच्चे ऐसियां गल्लां नाल एगरी नहीं करदे। क्यों जी, हिटलर दे चैंबरां नाल तुहाडे बच्चे एगरी किवें कर जांदे ने? हर मुल्क विच बने हुए उच्चे उच्चे स्मारक ते पईयां होईयां पहाड़ियां दीयां तोपां जिन्हां नाल हर मुल्क ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्हां नाल तुहाडे बच्चे एगरी किवें कर जांदे ने? केवल डिसएगरी सिख इतिहास नाल ही हुंदे ने। असी अपनी कमजोरी लुकाउण वास्ते दलील कढ ले, पर यह सही नहीं सी। इसने साडे बच्चे हनेरे वाले पासे धक्क दिते हन, पब्बां ते क्लबां दे राह पा दिते हन। खिमा करना, जिथों घर की सुख शांति लैके नहीं मुड़नगे, तुहाडियां अखां उड़ीकणगियां तुहाडे कल्चर मुताबक। तुसीं समां नहीं दिता, वह भी तुहानूं समां नहीं देगा। कुदरत दा नियम ते असूल अटल है। इस वास्ते तैयारी कर लो, इकल्ले जीना सिखाया ते इकल्ले जीना सिख लो। तैयारी कर लो कि शायद उस अवस्था दे विच तुहानूं किधरे खोपर उतरवाउंदे होए किसी मां दे पुत दी याद आ जाए। हुणे ही रेडी कर लो अपने आप नूं, क्योंकि होर तां अपने कोल कोई दूजी चॉइस है नहीं, रस्ता है नहीं। गुरद्वारे साडे राजनीति दा अखाड़ा ने, खिमा करना। पंथ नूं असीं वडियाईआं ते चौधरां लई वरत लिया, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं केवल असीं बुद्धी दे पद्धर दा एक नॉलेजेबल ग्रंथ समझ लिया। फिर तैयारी करो तुसीं,
और वो कुछ सहन का मादा रखो सौ वे जिया आपना किया। गुरु नाल रिश्ता तो असी कोई जोड़ नहीं सके तो फिर सोएगा कौन जी, असी सहना है। सहना शुरू कर दो गिरजियां विच जाके अपने बच्चियां दे विआह वेखना, सहना शुरू कर दो अपने बच्चियां नूं बपतिस्मा दिंदिया होया पादरी दे हथों वेखना, ताँ कि कलगीधर साहब की खंडे की पौल का ख्याल उहदे ज़ेहन विचों निकल जाए। रेडी हो जाओ इस गल वास्ते कि जिस वेले तुहाडे घर दे विच पिया होया कोई गुटका तुहाडा पुत्तर जां तुहाडी धी ये आखेगी पहलो इहनूं बाहर कढ़ो फिर असीं घर दे विच आउंदे हां, तैयारी कस लो क्योंकि समा साडे ते बहुत जल्दी आएगा। जिस कदर असीं अपने रंग विच गवाचे होए हां ये गल्लां करनियां साडे फर्ज़ नहीं हन, कोई शौक नहीं है, पर एक विचार आउंदा है कि साडे घरां दे विच गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज की बाणी नालों वध के होर बाकी सब कुछ होएगा। जिस वेले ख्याल आउंदा है अपने पिछोकड़ नूं वेखीदा है जिन्हां ने भुखां ते तेहां कट के इस कौम नूं अगे लिजाण दा यतन कीता सी, खैर सरहंद दे अंदर पैर पाए सिखां ने, जख्मियां नूं घोड़ियां ते सुट लिया, शहीद मैदान विच पए सन, उन्हां बजुर्गां नूं सदिया शहर के पतवंतियां नूं कहण लगे वो थां कहड़ी है सानूं विखाओ जिस जगह दे उत्ते छोटे साहिबजादे शहीद होए सन। शहर के बजुर्ग जिहड़े सन नामवर बंदे पतवंते सज्जन वो अगे लग तुरे जिथे वजीर खान की कचहरी लगती सी, कचहरी के नाल खुला अहाता सी, उस खुले अहाते दे विच एक जगह जाके बजुर्ग रुके ते उस उजड़ी जी थां वल उन्हां हाथ का इशारा करके आखिया खालसा जी आ है वो थां जिथे तुहाडे गुरु के मासूम बच्चे सिदक लई धर्म लई कुरबान हो गए सन, वो ते इन्नी आख के पासे हो गए, ना कोई नौजवान बचिया ते ना कोई बजुर्ग बचिया जिस दी भुब ना निकली होवे, जिस दी अखां ना छलकियां होण, वो लत्तां ते बाहां वढवा लैण वाले सारी जंग च कसीस वट के लड़न वाले उस जगह दे उत्ते आ के छलक उठे जिवें चिरां दी पीड़ अंदर नपी होई किसे ने कुरेद दित्ती होवे ते खिच के किसे ने बाहर लै आंदी होवे, इवें महसूस होया नहीं। हट ते चप्पड़ चिड़ी दे मैदान विच वजे सन पर पीड़ इस जगह नूं वेख के होई है, दर्द इस जगह नूं वेख के होई है। अल्लाह यार खां जोगी कीरने पाउंदा रहा सिखां दे दीवाना विच जाके, उन आख्या भटकते फिरते हैं क्यों हज करें यहां आकर, ये काबा पास है हर एक खालसा के लिए। देश होवे विदेश होवे एक बेनती जरूर करी दी है, उत्थे लोग बोरियां च अनाज दे के ना किसान उत्थे मड़ियां पक्कियां करी जांदे ने, जिन्हां दे वीजे लगे ने बाहरों पैसे घली जांदे ने। खालसा जी एक बेनती करा, तुहाडी धरती मुरदियां दी धरती नहीं जिउंदियां दी धरती है, जिउंदियां दे जाओ ते सिजदा करके मुड़ आया करो, मुरदियां दियां कबरां ते मड़ियां नूं पक्कियां कराउण च बेनती है योगदान ना पाओ, तुहानूं जिंदगी सिखालण वास्ते अगलियां ने सब कुछ कुरबान कर दिता है, तुसीं पैसा भी लाया ते किन्ना थावां ते लाया ते किहड़ा कल्चर ते किहड़ी सभ्यता उस जगह दे उत्ते सिरजण वास्ते देश ते विदेश दे सिखां ने हल्ला मारिया, ये सुन के भी झुण झुणी आउंदी है कि साडी मत नूं होया की पिया, असीं किस पासे वल तुरे होए हां। सेवा दा गुण साडे चों घटदा जा रहा, आर्टिफिशियल जिहा धर्म असीं चाहुंदे हां, ना कोई सेवा ना मिठा बोलण दी जाच, ना ईरखा त्यागण दा ख्याल ते ना होमै नूं दरकिनार करन दी भावना, कित्थे है जी साडा सुभाग, खिमा करिओ की निशान साहबां दी उचाई उची करन दे नाल सिखी दा भला हो जाएगा, की केवल ते केवल बड़ियां सुंदर बिल्डिंगां बना लैण दे नाल साडा मसला हल हो जांदा, तुसीं उस परिवार नूं नहीं जाणदे जिहड़े परिवार ने कमाई बड़ी कीती ते घर बड़ा सोहना बनाया पर उन्हां दे घर विच जाण नूं रिश्तेदारां दा जी नहीं सी करदा, पुछे एडा सोहना घर है तुहाडे रिश्तेदारां दा जांदे क्यों नहीं, कहण लगे जाणा की है कोई मुसीबत सेड़ के आउणी, परिवार दे जीआं दी आपस विच नहीं बणदी सानूं की पईए उन्हां दे घर जा जा के बैठे रहीए, खिमा करिओ इन्हां महिलां विच बहिणा भी सिख लईए तां ही फायदा है, जे सानूं बहिण दी जाच ना आई खिमा करिओ फिर जो मर्जी करो, वो तां असीं कर ही रहे हां जो कर रहे हां।
सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे ने अवर ना सूझै दूजी ठाहर हार परियो तौ द्वारी लेखा छोड़। गुरु को आके मैं एक बेनती की सच्चे पातशाह तू मेरे गुनाहां दा लेखा ना करी। साडे उस्ताद जी जिस वेले संथिया कराउंदे सन ऐसियां पंक्तियां जिस वेले आउणियां उन्होंने गल कहनी कहण लगे मुंडियो गल सुनो जदों अरदास करदे हुंदे हो ना कदे ना आख्या करो महाराज इन्हां गुरमुखां ने तुहाडे कोल सेवा कीती है। असीं कहणा जी लोग गुस्सा कर लैणगे लोग आखणगे लो सानूं गुरमुख नहीं आख्या कहिंदे करदे ने ते कर लैण दिओ। जिहड़ा बंदा अपनियां चंगियाईयां दा वखाड़ा गुरु दे सामने आके पा दिंदा है वह अपनी मुसीबत लई खाता खोल लैंदा। असां आखणा जी इह की गल होई कहिंदे फिर जे चंगियाई गिणनी है तो बुराई क्यों छड्ड दित्ती वह भी गिणनी पएगी वह भी तो गिणो ना। गुरमुख तुसीं इस करके कह दिता भी चार पैसे चढ़ाए ने सेवा कर ली है थोड़ी बहुत चार चीज़ां दे दित्तियां ने जिहड़ी ठगी मारी है फिर वह भी खाते बोलो। बोलना ही है तो फिर सारा ही ए टू जड सारा बोलना पएगा ना कि असी कदे गुरु नूं आके आख्या सतगुरु असी कपट नाल भरे होए हां कदे आके नहीं महाराज असी बड़े गुरमुख हाँ असी बड़े नेक हाँ असी पाठ किया असी सेवा की असी पैसे दिते। गुरु बचा नहीं है गुरु भी सोचता झूठ किन्ने बोले कह छड बेईमानी किन्ने नाल कीती वह भी कह छड कपट किन्ना तेरे अंदर वह भी कह छड चंगियाई तो बड़ी गिणदा लिस्टा बना बना के गिणदा है जी बंदा लिस्टा बना बना के वो बुराई किन्नी करता वह जिक्र ही नहीं करता बड़ा सियाना। इस वास्ते बचना है ना इको ही अरदास लेखा छोड़ वाहिगुरु मैं अपन चंगियाइया नहीं गिणदा तू मेरे औगलों वाल ध्यान ना दे बारे बारी में बेड़ दईए। ये साडे कल्चर का बड़ा सोहना ढंग है जेडे फसाद विच ना ना पैना हो पंचायत दो धिर का झगड़ा हो जाए ना पिंड बजुर्ग जानते हैं पंचायत कहती सी मुंडियो बंदे सियाने बैठे ने इतने नबेड़ लो थाने जाओगे दोवों पैसे पैणगे सौखा निबड़दा नबेड़ लो। इस वास्ते हुण गिणतियां ना करो भी किहदा वड्डा गुनाह किहदा छोटा गुनाह गल है भी झगड़ा दोवां ने किया गलती हो गई इत्थे ही नबेड़ लो सौखे रह जाओगे। ये तरीका गुरु ने आख्या लेखा छोड़ मेरा लेखा ना करी अलेखा है छूटे हम निर्गुण मैं तसलीम करदा हाँ असैप्ट करदा हाँ कि मैं औगणा नाल भरिया होया। एक बेनती करदे हां गुरु अर्जन साहब महाराज का शब्द है हम मैले तुम ही उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता। मैं कई बार महसूस करदा जदों हजूर ने पहली बार इस शब्द गाया होएगा तो सिखां ने आख्या महाराज तुहाडे वर्गी तां पवित्र आत्मा वाला कोई नहीं तुसी ते सतगुरु गुणा की दात दे के साडे वर्गे औगणारियां दा भला करन वाले तुसा ये क्यों आख्या हम मैले। महाराज तुसी साडी मैल कटन वाले तुसी अपने आप नूं ही मैले आख लिया। नहीं महाराज तुहानू चंगी लगी होएगी ये गल बोलनी सानू सुननी बिल्कुल चंगी नहीं लगी साडा गुरु साडा प्यारा अपने आप नूं मैड़ा आखदा अपने आप नूं निर्गुण आखदा अपने आप नूं पापी आखदा। हजूर ने आख्या कोई नहीं तुसी इस शब्द नूं पढ़िया करो। सिख ने जिस वेले ओ ही शब्द आप पढ़िया ना हम मैले तुम ही उज्जल करते ते हजूर दे चरणा च सिर झोकिया गरीब नवाज तू किड्डा प्यारा है तैनू पता सी जे आख्या ना भी तुम मैले तो बंदे की ईगो प्रवान कित्थे करदी है गुरु ने मैनू मैला आख्या गुरु की जरूरत की है गल आखण दी गुरु कौन हुंदा है मैनू मैला आखण वाला मैं तो सुचा ही बड़ा चंगा ही बड़ा एहसान है ना बंदे ईगो है ईगो नू टच करदा जिस वेले कोई भी बचन बंदा कमड़ा हो जाता है झला हो जाता है। गुरु ने आख्या इहदा पाठ करिया कर इहनू पढ़िया कर इसनू गाया कर महाराज इहदे गाउण नाल की होएगा। सतगुरु ने आख्या जिहड़ी मैल दा तैनू पता नहीं ना उहदे वाले पासे तेरा ध्यान चले जाएगा मैं तैनू गंदा नहीं वेखना चाहुंदा मैं तैनू साफ सुथरा वेखना चाहुंदा। महाराज मेरे कपड़े बड़े सोहने ने पहरावा बड़ा वधिया है इशनान पान चंगा रखदा बाहरों तां बड़ा सजिया तजिया मैनू मैल कित्थे। महाराज ने आख्या नहीं सिखा मैं तैनू अंदरों भी मैला नहीं वेखना चाहुंदा जे जदों तू ये पढ़ेगा ना अपने आप लई पढ़ी। असीं बड़े चातर हां जी खास तौर पर मैं अपनी गिनती पहलों कर लवां
असी जदों शब्द पढ़ते तो आखते ही नहीं भी हम मैड़ा से कहने गुरु अर्जन साहब ने आख्या असी नहीं आख रहे भाई असी नहीं कह रहे तो गुरु अर्जन साहब कह रहे फिर भी असी नवोलव गुरु अर्जन साहब में भी गुरु अर्जन साहब के विचार ने साडे विचार बिल्कुल असी मैले कितने तो महाराज का निजी विचार हो सकता किड्डी शरारत है बंदे दे अंदर तो कौन सुधारेगा जी इस जिहड़ा इत्थे भी शरारत कर जाए मन उहदे सुधार का कोई मसला नहीं बनता। गुरु ने आख्या पढ़ हम मैले तुम ऊजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माध हो हम ऐसे। तुसी शीशे अगे खलोने ना जदों भी आपां तैयार होके किते जाने आ बंदा ना तैयार होया अपनी घरवाली नूं पुछदा मैं किहो जिहा लगदा उसने कहा बड़ा सोहना लग रहा है। मां नूं पुछिया भैण नूं पुछिया पुत्तर नूं पुछिया भरा नूं पुछिया सारिआं ने अपने अपने अपनी अपनी फीलिंग दस दित्ती सिदक जिहा नहीं आया बंदा शीशे सामने जाके खलो गया। घर वाले ने आख्या तैनूं साडे ते यकीन नहीं सी कहन लगे ने यकीन ते तुहाडे ते बड़ा है पर मैं सोचिया अपनिया अखा नाल ही अपने आप नूं वेख लवां ते सब तो वधिया रहेगा अपनिया अखा नाल ही अपने आप नूं वेख लवां सब तो वधिया रहेगा इस करके ये सहायता ते केवल शीशा ही कर सकदा सी ना इस करके मैं सोचिया हर एक दी फीलिंग वक्री वक्री है क्यों ना आपे ही वेख लवां मैं किहो जिहा लगदा सुधार कर लवां। बंदे ने फिर अपने आप नूं ठीक ठाक कीता। सतगुरु आखदे ने ये जिहड़ी बाणी है ना बाणी प्रोफेसर साहब सिंह ने जिस वेले गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी ने अर्थ किए दस भागां च पोथी का नाम रख्या श्री गुरु ग्रंथ साहब दर्पण। दर्पण के अर्थ होर भी होंदे ने पर दर्पण का एक अर्थ शीशा भी होंदा है। मैं महसूस करदा सिखा तैनू कोई नहीं सवार सकता तैनू तां गुरु ही सवारन वाला है ना तू किसी साध के पैरी पै किसी प्रचारक के मगर लग्या फिर किसी कीर्तनीय के मगर लग्या फिर किसी बाबे को जा किसी जथेदार का लड़ पड़ जे तू सवरना तो सवारना तैनू गुरु नहीं है तू लोगों दी फीलिंग पुछदा मैं किहो जिहा लग रहा शीशे सामने क्यों खलो के अपने आप नूं क्यों नहीं वेख लिया सौखा काम हो जाएगा ना किसी नाल झगड़ा ना तेरी होमे नूं सट वजे तैनू आपे ही दिस पाएगा मैं कित्थे खलोता ते बाणी दे शीशे चों वेख्या कर। जब जी इहने भी शुरू किया जी मैं अगे ना 15 मिंटां च पढ़दा सां हुण सुख नाल 7-8 मिंटां च पढ़ लईदे रफ्तार हो गई है रफ्तार हो गई। लोग पुछदे मैं तां इन्ने चिर च पाठ कर लईआं की लाभ है प्यार बाणी नूं जीना शुरू करिए बाणी दा रस लैना शुरू करिए बाणी नाल धक्का ना करिए भी ये मुक जाए ये खत्म हो जाए छेती छेती पढ़ ली जाए वध पढ़ो पर एक सफर करो दे नाल नाल एक प्रोसैस करो। सतगुरु सच्चे पातशाह आखदे ने लेखा छोड़ अलेखा छूटे हम निर्गुण लेह उबारी सद बख्शंद तू सदाई बख्शिशा करन वाले सदा मेहरवाना सदा मेहरवान है सबना दे अधारी तू सारिआं नूं आसरा दिंदा है ते मेरी अरदास है नानक दास संत पातशाह परिओ संत दा मतलब इत्थे गुरु है नानक दास नानक गुरु दे सत संगत दे आसरे लग गया है ते अरदास करदा है हम राख ले हो ये बारी मैनू इस जीवन विच किरपा करो इस वार विकारां तो बचा लो मुक्त कर दिओ उच्चा सुचा पवित्र जीवन दान मेरी झोली विच पाओ गरीब नवाज रहमत बख्शिश किरपा करन। पिछले 15-16 दिनों तो आप सरबत संगत की सेवा विच हाजरी भरन का मौका मिलिया है आप सारी संगत विच विचरदिआं होईआं भुल्लां चुक्कां की खिमा अपने वल्लों दास अपने सुभा मुताबक ही बेनती कर देवे जिस किसे नूं दास दे किसे कथन उत्ते इतराज होवे उसका जिम्मेवार आप सारी संगत विचों कोई सज्जन नहीं है। तुसी दास नूं पुछ सकदे हो दास नाल विचार सांझा कर सकदे हो क्योंकि साड़ी कम्यूनिटी विच एक ख्याल अक्सर दौड़दा है असी सामने गल करन तों झिझक जांदे हां फिर असी अपने मसलियां नूं किसे दे मोढ़ियां उत्ते रख के चलाउण दी कोशिश करदे हां। ये बेनती मैं आप जी दे सामने इस करके कर रहा क्योंकि मैं हर जगह करदा किसी किस्म का डाउट नहीं रहना चाहिए कोई भुलेखा किसी प्रचारक की वजह करके नहीं पैना चाहिए इस वास्ते बेनती है तुसी अपना इतराज सीधा मेरे नाल सांझा कर सकते हो खिड़े मत्थे दास दोवें हाथ जोड़ के प्रवान करेगा आप सारी संगत का प्यार सत्कार सिर मत्थे उत्ते है सतगुरु के चरणा च अरदास है
महाराज सारे नूं सिखी बाणी बाणे अते आपसी प्यार इतफाक दी दात बख्शिश करन। इसे तरह आप तरक्कियां करदे रहो। सतगुरु महाराज सभना दे भविख दे रखवाले हन। होईआं भुल्लां चुकां दी खिमा धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पासों मंगदा हाँ और बहुत बहुत वधाई दिंदा हाँ खालसे दे प्रगट दिहाड़े दी। असीं गुरु दी इस शानो शौकत नूं बाणी ते बाणे नूं जीण दा यतन करिए। खास तौर ते वीरां नूं बेनती है ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਕੌਣ ਜੀਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।